पूर्णिया के उगना महादेव मंदिर में अंतर्राष्ट्रीय मैथिली परिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अंतर्राष्ट्रीय मैथिली परिषद के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धनाकर ठाकुर भी शरीक हुए थे। डॉक्टर धनाकर ठाकुर ने मिथिला की गौरव गाथा का वर्णन करते हुए कहा कि माता जानकी और राजा जनक के पहले से ही मिथिला की सभ्यता और संस्कृति है। उन्होंने कहा कि 1816 ईस्वी में मिथिला दो भागों में बट गया, जिसमें एक भाग नेपाल में चला गया। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश लेखक ग्रियर्सन ने भी मिथिलांचल की गौरव गाथा की चर्चा की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान बिहार, बंगाल और झारखंड के कई हिस्से मिथिलांचल का हिस्सा हुआ करता था, जिसका जिक्र ग्रियर्सन की पुस्तक में भी है। उन्होंने कहा कि आज भी मिथिलांचल उपेक्षित है और मिथिलांचल का विकास तभी होगा जब मिथिलांचल अलग राज्य बनेगा। अपने सभी बातें नहीं मान रहे, वो लिखल के मिथिला का हमेशा अलग रहा है, इसको अलग रख के ध्यान में आया। सोचो वो 1718 से दूसरा 28 साल के जनरेशन मानल जाए थे, हमारा दोसरो जनरेशन नहीं भेज की अंतर हो गए। एक पहले 1816 ईस्वी में मिथिला के डिवीजन हो गए नेपाल और भारत, और ब्रिटिश वाला जो चार तरफ से नेपाल पर अटैक करके 3 दिन से हट गए, गढ़वाल जी से पूछ ले, 4 दिन से एक संधि करके दूसरा साल पहले कोई ना हमारे लिखित जिला दे गए, ब्रिटिश को बहुत चीज भेट गए, आज के इंडिया के सिक्किम भेट गए, दार्जिलिंग गोरखालैंड भेट गए, दीवान से गढ़वाल भेट गए, कांगड़ा भेट, बहुत चीज भेट गए।